जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी से जुड़ी सभी नई गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि श्राइन बोर्ड टाइम के साथ साथ नई गाइडलाइन लाते रहता है। तभी श्राइन बोर्ड ने पहले श्रद्धालुओं की संख्या को 7000 करा था। उसके बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की संख्या को 7000 से बढ़ाकर 15000 कर दिया था। पर हाल ही में हुए नई गाइडलाइन में श्राइन बोर्ड ने संख्या को 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया है। जी हां दोस्तों, श्राइन बोर्ड ने अब यात्रियों की संख्या को 25000 कर दिया है। दोस्तों यह न्यूज़ अपने में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज़ है। इससे आपको अपनी यात्रा पर्ची लेने में ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होगी। आप ऑफलाइन काउंटर से भी और ऑनलाइन वेबसाइट से भी अपनी यात्रा पर्ची बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोरोना रिपोर्ट के बारे में। तो अभी भी श्राइन बोर्ड कोरोना रिपोर्ट को लेकर कोई भी नई जानकारी नहीं दी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि यदि आप अपने होम टाउन से अपना कोविड टेस्ट कराकर आ रहे हैं और आपकी टेस्ट रिपोर्ट 96 आवर्स पहले की है तो आपको कहीं भी दोबारा कोरोना टेस्ट नहीं करा जाएगा। वही रिपोर्ट आपकी वैलिड मानी जाएगी और आपको माता रानी के दर्शन के लिए आगे भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।